पठान के बाद स्पाई यूनिवर्स का क्रेज अलग लेवल पर चला गया है, और वहीं टाइगर 3 के बाद इसका जो लेवल है वो एक्साइटमेंट का काफी ज्यादा हो जाएगा। जो न्यूज निकल के आई है वो सुनने के बाद आपकी जो एक्साइटमेंट लेवल है वो तो आसमान फाड़ देगी। सबको लग रहा था कि हमें पठान वर्सेस टाइगर पहले देखने मिलेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले हमें देखने मिलेगी वॉर 2 की जो स्टार कास्ट होने वाली है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। ऋतिक रोशन तो देखने ही मिलेंगे, पर जो विलन होगा उसका कैरेक्टर कौन प्ले करेगा? सब लोग बोल रहे थे विद्यु जमाल प्ले करेंगे या फिर टाइगर वापस आएगा, पर इनमें से कोई नहीं है। जो ऋतिक रोशन के अपोजिट चूज किए गए हैं एक्टर वो है अदर देन NTR। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं अयान मुखर्जी। सुनामी, बवंडर, तूफान सब कुछ आ जाएगा बॉक्स ऑफिस पे, क्योंकि इसके अंदर कलेक्शन नॉर्थ से भी आएगा, साउथ से भी आएगा और वेस्ट से भी आएगा। ये हुई एक प्योर पैन इंडिया मूवी। हाई चांस है कि ये मूवी हमें 2024 के एंड तक देखने मिल सकती है, क्योंकि उसके बाद अयान मुखर्जी को ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 और ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 बनाना है। सो आपको ये न्यूज़ सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय।